कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले भी हमने पार्ट 4 आपको करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 की बात करेंगे, जिसको लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पार्ट का नाम है उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, पार्ट का नाम क्या है, उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पार्ट को लिखा है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको करवा दिए हैं, आज पार्ट 5 हमारा है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख लेना। फिर भी यदि आपको नहीं मिले किसी भी प्रकार से तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कक्षा 10वीं वाले सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है ऐसा? तो उत्तर देखिएगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। देखिए, मैं बता देता हूँ, जो हमारे कवि होते थे ये अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें उत्साह भर देते थे, ऐसा ये काम करते थे। और सामने वाला जो, जैसे कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी तो उनको समझ में भी नहीं आता था कि इस कविता, ये वो नहीं सोचते थे कि कविता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो हिंदी पढ़ने वाले हमारे भाई, हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इसको पढ़ते थे तो उनके दिलों में उत्साह भर जाता था क्रांति करने के लिए। विद्रोह, जगह जगह विद्रोह करने लगते थे, इसलिए ये कविताएँ लिखी जाती थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। देखिए, जो हमने पाठ पढ़ा है, कविता, इस कविता का पाठ क्या है, उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, ये शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, तो कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वे संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादलों का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 3 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। और बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर लिखे। तो देखिए, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि पर एक कविता की पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। ठीक है, देखिए रचना अभिव्यक्ति आ गई, यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन आपको रचना अभिव्यक्ति के भी दिखा देता हूँ। जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भाव के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्ति होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भाव को कविता में उतारिए, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर इसी पाठ के, तो आप देख सकते हैं। चायवाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भाव का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा स्पष्ट होती है, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं ये भी। और कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो फागुन बहुत मत वाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों
और हवाओं से प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है, जो चाकर भी वहाँ से नहीं हटती। और प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। हमारा वीडियो बड़ा ना हो, हमें वीडियो लगभग 8-8 मिनट के ही बनाने हैं, तो ये वीडियो हमारा लगभग 5-6 मिनट का हो चुका है। तो मैं आप, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं आपको सिर्फ बताने का काम और करूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं बता देता हूँ, आने की पूर्ण संभावना है कि फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों फूल फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, ठीक है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। जिसके बाद में लाफ्टे हमारे रचना और अभिव्यक्ति का कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो अब ये तो आप सभी कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। कि देखिएगा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो होली का त्यौहार फागुन मास में आता है, इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है, होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों ओर रंग ही रंग बिखेरे जाते हैं, प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है, प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं, फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो ये आज का हमारा पाठ था, जिसमें हमने प्रश्न उत्तरों को देखा है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, साथ ही वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना साथ में, क्योंकि वो भी जुड़ जाएँ और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। साथ ही हमारे जितने भी फ्रेंड्स चैनल पर आए हैं विजिट करने के लिए, पढ़ने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जब भी आपकी क्लास को लेकर हिंदी टेस्ट आएगा, संस्कृत टेस्ट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जल्दी ही हम संस्कृत की भी स्टडी आपको करवाने वाले हैं, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार जुड़े रहें, पढ़ाई को जारी रखें, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, धन्यवाद।